खत्म करेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही ओल्ड और बहुत ही डेंजरस हॉरर रिचुअल, जिसका नाम है शार्लेट वेब रिचुअल। एंड ये इंटरनेट में कहते हैं द मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि इसमें है, कहते हैं ना कि बड़े बड़े भूत तो ठीक है, पर जब बच्चों का भूत आ जाता है ना, तो आपकी भी बैंड बजा देते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और हॉरर चैलेंजेस चाहिए हैं तो नीचे स्कल वाली इमोजी डाल देना एंड मैं समझ जाऊंगी आपको और चाहिए है। सो या दैट इज ऑल अबाउट दैट, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू। और इस वाले रिचुअल में चाहिए होती है एक डॉल, तो हमने चाहिए थी एक मिस्टीरियस डॉल। तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट जस्ट गो टू ईबे, जो कि रैंडमली कोई ना कोई बेचता है जहाँ पे, तो इसलिए हमने वहाँ से ली है। तो हमें ये मिली है, लेट्स सी। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ वैसे डॉल है कैसे। एंड सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ मुझे जो इस लड़की बच्ची डॉल में लग के वो ये है, इसकी आई लैशेज। जस्ट लुक एट द आई लैशेज गाइस। और फॉर सम रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसके होठ मूव होते हैं यार, पर अदर देन दैट कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ फिलहाल तो। और बाय चांस अगर आप चाहते हो, जो मैं नहीं कह रही कि आप चाहो, पर अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ 24 आवर्स चिपकी रहूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और या ये वाली इमोजी डाल देना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको चाहिए है। एंड ये तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो या शार्लेट जो है बेसिकली एक 7 साल की बच्ची का नाम है, जो कि 1400 में थी। एंड उसमें बताया था कि उसकी एक मदर थी और वो थी और कोई नहीं था उसके साथ, बट उसकी मम्मी को सब लोगों ने बोल दिया था कि वो विच है, चुड़ैल है, और उसको वहीं पर चला जाता। तो ये 7 साल की बच्ची अपनी जान बचाने के लिए बहुत घने जंगलों में भाग गई, जिससे उसको भी पकड़ के जला ना दे विच, चुड़ैल, ये सब बोल बोल के। तो वो बच्ची भाग गई थी एंड वो बच्ची पर वहाँ पे खुद सर्वाइव नहीं कर सकती थी और वो बाहर भी नहीं आ पाई, कुछ गुम गई तो वो वहीं पे मर गई। उसकी बॉडी ऑल तो कभी नहीं मिली, तो हो सकता है जानवरों ने खा लिया, या हो सकता है वो मरी ना हो। Anyways, ये वाला रिचुअल में बेसिकली हमने बिठाना होता है, 2 जनों का पार्टिसिपेंट होते हैं, एक मिरर होता है, पीछे एक डॉल होती है जो कि टेबल पर बैठी होती है। आपको शार्लेट का गेम खेलना है। शार्लेट की गेम में बस सिंपल ये कि आपको पहले वेलकम करना है कि हमने ये प्ले करना है, जो हम बोलेंगे वो सब होएगा, एंड देन उसके बाद आपको वेट करना है। आपको गलती से भी पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे मुड़ना मतलब डेथ है, यहाँ पक्की पक्की बात है, मौत है, इसलिए आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आपको नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ शीशे में देखना, एक दूसरे को भी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शीशे में नॉन स्टॉप देखना है कि आपको डॉल दिखती रहे। बाय चांस डॉल गायब हो जाती है तो दैट मींस शार्लेट आ चुकी है, आप गेम आगे बढ़ा सकते हो और आप उसे सवाल जवाब कर सकते हो, ये है। बट बाय चांस उसने टॉय को नहीं उठाया, दैट मींस शार्लेट इज अनहैप्पी, उसको डॉल पसंद नहीं आई या क्या, कुछ नहीं, बट स्टिल आपको पीछे नहीं मुड़ना है। उससे उसको गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो एक 7 साल की छोटी बच्ची है और 7 साल के छोटे बच्चे बहुत टैंट्रम्स प्ले कर सकते हैं, इसलिए आपको पीछे नहीं मुड़ना है। इसमें कैंडल्स यूज नहीं करनी, बिकॉज फायर से शार्लेट को डर लगता है, बिकॉज उसकी मम्मी को जलाया गया था, इसलिए फायर नहीं यूज करना है। तो फ्लैशलाइट यूज करनी है, क्योंकि फ्लैशलाइट से जिससे हम अपने शीशे पे देख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज पूरा कमरा डार्क होएगा। सो लेट्स गो एंड गिव दिस वन अ ट्राई। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी अगर आपको और हॉरर वीडियोस चाहिए। एंड अगर ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि मैं लिविंग विद अ हॉन्टेड डॉल फॉर 24 आवर्स करूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग रिचुअल चालू करने वाले हैं। बट अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है जो शायद सही नहीं है, तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना और कहाँ पर दिख रहा है भी बताना। पीछे हमने डॉल प्लेस कर दी, हमने पीछे नहीं मुड़ना है, तो हमने एक दूसरे को भी नहीं देखना, हमने सिर्फ उसे मिरर में देखना है एंड रिचुअल चालू होने के बाद। सो या दैट इज ऑल अबाउट दैट। फ्लैश लाइट हमारे पास है ही एंड या होपफुली कुछ नहीं होएगा, बट या ट्राई करते हैं, लेट्स गो गाइस। सी रिफ्लेक्शन इतनी डरावनी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। द फैक्ट कि वो आप लोग को कहीं दिख नहीं रही, पर हमें क्या शीशे में पूरा जो हमारे बेड के पीछे वाला जो वॉल है ना, उस पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अपन को आगे पीछे से इसने गला घोट दिया तो अपन तो गए। ओके ठीक है, अपन को एक साथ बोलना है। ऐसा लग रहा है वो रो रही है, देख चिनू यार क्या क्या इतनी खतरनाक। वो मेरे को तेरे को याद ही है, जब मैं जब तू उस कैमरा को इधर सेट करते, तेरे को मैंने बोला था कि वो मुस्कुरा क्यों नहीं रही, पर पीछे मुड़ी तो मुस्कुरा रही थी, पर शीशे में नहीं मुस्कुरा रही है वो। तेरे को नहीं लग रहा शीशे में मुस्कुरा थी दिख रही तेरे को? एनीवेज गाइस आपको कुछ भी दिखे प्लीज बता देना। शिट मेरे को ना बिचिनू रिंग लाइट के पीछे से कुछ मूव होता हुआ दिखा।
I swear. याद है मैं तेरे को एक वीडियो दिखाया था लर्किंग शैडो वाला, बिल्कुल वैसा फील आया मेरे को। I swear, देख मैं रोंगटे के खड़े हो चुके हूँ। थोड़ा सा सोचते। 1, 2, 3, go. We want to play Charlotte's Web. इसे क्या होगा? Either वो मुझे रिंगलेट में इतना weird weird क्यों दिख? शिन मिरर को छोड़ी और कहीं देखना ना शायद। नहीं, मिरर में आप पीछे देख सकते हो, हाँ, पर आप इधर उधर नहीं देखना। चिन्नू, आई स्वेयर चिन्नू, मुझे कुछ मूव होता हुआ दिख रहा है चिन्नू रिंग लाइट में। इधर उधर देखने को मना करा यार मुझे। मेरे को मत देख बस। ओके, मेरा वहम है, सब वहम है। बेसिकली इसमें ये डॉल, अगर शार्लेट आ जाती है तो उसे वैसे तो डॉल उठा लेनी चाहिए, बट अगर उसने शार्लेट ने डॉल नहीं उठाई, दैट मीन्स उसको डॉल अच्छी नहीं लगी और वो गुस्सा है अपन से। तो अपन सीधा इसको एंड कर सकते हैं। अरे मेरे को बार बार ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो रो रही है? उसकी आंखें कितनी ज्यादा शाइन हो रही है। क्योंकि इसमें बेसिकली अगर उसने डॉल नहीं लिया, दैट मीन शी इज डिसप्लीज्ड, शी इज एंग्री एंड शी डिडंट लाइक द डॉल और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट वो नहीं ले रही है, दैट मीन्स दैट्स द सीन, बिकॉज बुलाने पे आ जाती है शार्लेट एंड ओह माय गुडनेस, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि उसने एकदम से आपको देखा और मुझे देखा। मेरे को डर आ रहा है। उसको नॉनस्टॉप मत देख, इट्स ब्रेन प्लेइंग गेम्स, नो इट्स जस्ट द ब्रेन प्लेइंग गेम्स, नथिंग इज बैड, ठीक है? तो अपन गेम एंड कर सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, हम वेट कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। इसमें ऐसे तो कोई चीज़ें नहीं थी ना जो अपन को नहीं करनी थी या फिर ऐसा कुछ भी। फिर से कोई पीछे से आवाज आई, किसी की चलने की आवाज आ रही है ना? नहीं आई क्या? मम्मी मुझे ऐसा क्यों लगा वो हिली? सामने देखना चाहिए, सामने ही देखना। गाइस आपको भी लगा क्या वो हिली? आई एम नॉट रियली श्योर, तेरे को दिखा मुझे नहीं दिखा क्योंकि स्टॉर्म रो भी रहा है ना। स्टॉर्म रो रहा है। खत्म करेगा? तो गुड बाय बोलना है ना सिर्फ? अपन को सिर्फ इसको एंड करना होता है ना, अपन को साथ में बोलना है, सिर्फ गुड बाय शार्लेट बोलना, ठीक है? गुड बाय शार्लेट। क्या करना था पर मेरे को याद नहीं है। वो डॉल लेके जाती तो उसको अच्छा, वो डॉल लेके चली जाती तो ठीक था, पर कुछ हुआ नहीं है अपने क्योंकि उसने इनिशियली डॉल को नहीं उठाया। आई गेस उठा के फेंका तो डेफिनेटली नहीं है, राइट चिन्नू? हम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, फ्लैश लाइट बंद कर सकते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं पहले। ओके गाइस, सो हमें नहीं पता ये कैसे गिर गई, हवा तो है ही नहीं पहली बात हमारे कमरे में, क्योंकि क्या है भाई ऐसे क्यों पकड़ रखा है भाई? ये इसके साथ मुझे 24 आवर्स नहीं करना गाइस। फिर पागल हो गया, टच क्यों कर रही है? पर गाइस फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ 24 आवर्स रहूं, जो कि अभी जस्ट हमारे पीछे से गिर गई, कैसे मुझे कोई नहीं पता, हम लोग लिटरली एंड करने वाले थे तब गिर गई। हवा नहीं होना चाहिए, हमारा वहम है क्या पता नहीं गाइस, बट या वी आर एंडिंग द वीडियो, आप लोग नीचे कमेंट कर लेना एंड या हम लोग एडिट के टाइम पे देखते हैं, अगर हमें कुछ पता चलता है दिखता है तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ मिलता है। सो या दैट्स इट गाइस, बाय।